काफी जद्दोजहद और लंबे समय तक सोच विचार के बाद कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हरियाणा की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। चलिए सबसे पहले आपको प्रत्याशियों के नाम बताते हैं। अंबाला से विधायक वरुण चौधरी, सिरसा से कुमारी शैलजा को टिकट दिया गया है। हिसार से पूर्व सांसद जयप्रकाश और करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले में कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दिया है। वहीं सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को उतारा गया है। हालांकि हुड्डा जिस तरह से रोहतक के लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, उससे पहले ही ये बात स्पष्ट थी कि रोहतक सीट दीपेंद्र हुड्डा को दी जा सकती है। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का टिकट कटा है और महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया है। फरीदाबाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने करीबी करण दलाल को टिकट नहीं दिला सके। आपको बताएं कि कांग्रेस द्वारा हरियाणा की 8 उम्मीदवारों की जारी की गई लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट को कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन फॉर्मूले के तहत आम आदमी पार्टी को दिया है, जबकि बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। वहीं गुरुग्राम की सीट पर ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस के लिए गुरुग्राम सीट पर अभी भी फिल्म अभिनेता राज बब्बर और कांग्रेस के सीनियर नेता कैप्टन अजय यादव के बीच लड़ाई फंसी हुई है। इस वजह से गुरुग्राम सीट से अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को चुनाव लड़वाने की हिमायत कर चुके हैं, जबकि SRK ग्रुप यहां से कैप्टन अजय यादव के नाम को आगे बढ़ा रहा है। आपको बताएं कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर एक ही चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर BJP ने जीत हासिल की थी। हरियाणा में चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। करनाल से यूथ कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से BJP प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं मिल पाया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रावदान सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं हिसार से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने करीबी जयप्रकाश को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, लेकिन भिवानी सीट पर किरण चौधरी को निराशा हाथ लगी है। वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी। इसके अलावा हिसार से ब्रजेंद्र सिंह टिकट मांग रहे थे, लेकिन बाजी हुड्डा कैंप के रावदान सिंह और जयप्रकाश ने मार ली। पूर्व CM खट्टर के सामने कांग्रेस ने करनाल सीट से प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतारा है। लिस्ट में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि BJP छोड़कर कांग्रेस में आने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह के हिसार से सिटिंग सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से लोकसभा का टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया है। हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों की जारी की गई लिस्ट में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा के SRK ग्रुप को फिर से झटका लगा है। लिस्ट में हुड्डा गुट का प्रभाव ज्यादा दिखाई दिया है। अब कांग्रेस की लिस्ट कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को और आक्रामक बनाएगी या नहीं, ये तो पार्टी का अंदरूनी विषय है, लेकिन लिस्ट जारी करके कांग्रेस ने विरोधी पार्टियों का मुंह बिल्कुल बंद कर दिया है।